अगर आप SSC CGL 2024 मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कौन कौन सा रिसोर्सेस को यूज करना चाहिए, कौन कौन सा बुक्स को यूज करना चाहिए आपको, तो वही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सब्जेक्ट वाइज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैथ्स पे चलते हैं कि मैथ्स पे क्या होना चाहिए। देखो मैथ्स पे ऑलरेडी आपका नोट्स कॉपी बना हुआ है, तो आपको उसी को फिर से रिवाइज करना है चीज़ों को, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बनाने हैं जो कि ऑलरेडी आप बना चुके हो, उन्हीं को आपको थोड़ा सा और शार्प करना है, थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस को ट्राई करना बनाने का, मेंस का जो क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करना। तो आपका नोट्स कॉपी हो गया प्लस साथ में लास्ट 5 ईयर्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आपको वो करना, बस इतना ही चीजें करनी है, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूंगा कि अगर आपको लगता है कि मैथ्स आपका वीक है और मैथ्स के सेक्शन को आपको इंप्रूव करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो ना, मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो 30-30 क्वेश्चंस का। 30-30 क्वेश्चन का जब सेक्शनल टेस्ट रेगुलरली आप दोगे और बहुत अच्छे से दे दोगे तो आपको काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा, जैसे कि ये किरण पब्लिकेशन की बुक आई है, 30 सेट इसमें दिया हुआ मैथ्स का, 30-30 क्वेश्चन का सेक्शनल, ठीक है। और साथ में इसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर का, वो भी दिया हुआ है मैथ्स के क्वेश्चन को। आपको लगता है कि मेरा मैथ्स वीक है, तो यहाँ से 30 सेट अगर आप बहुत अच्छे से कर लोगे विद सॉल्यूशन, मतलब 30 सेट ऐसे करना है कि इसका एक भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए इस सेट का कि जो आपसे ना बने, उनको बार बार 4-5 बार रिवाइज कर लोगे तो आपको मैथ्स का सेक्शन काफी इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना, और आप जो मॉक टेस्ट लगाते हो मेंस का आपको वो लगाते रहना। इंग्लिश में चलते हैं, इंग्लिश में क्या करना, ऑलरेडी आपने वोकैब्स काफी याद कर लिए होंगे, आपका बुक होगा वोकैब का, आप वही वोकैब से बुक को रिफर कर सकते हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि आपको नया वोकैब का बुक लेने की जरूरत नहीं, बस उन्हीं को है प्रैक्टिस बढ़ा देना है ज्यादा, सिनोनिम का प्रैक्टिस, एंटोनिम का प्रैक्टिस, वन वर्ड सिचुएशन का प्रैक्टिस, ये सारे को कर सकते हो। आप कहाँ से कर सकते हो, आप कहीं से भी आपके पास जो है बुक वगैरह उससे कर सकते हो। प्लस मैं बोलूंगा ना कि आप सरकारी बाबू ऐप पे जाओगे ना, तो वहाँ पे मैंने 33 सेट्स वो कैप्स का जो प्रैक्टिस सेट है डाल दिया, और हर एक क्वेश्चन में 50-50 क्वेश्चन है, 10 सिनोनिम, 10 एंटोनिम, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 इडियम्स फ्रेजेस और 5 फ्रेजेस है और 5 है इनकरेक्ट वर्ड। तो आप वहां से 33 सेट प्रैक्टिस कर लिए तो आपको काफी अच्छा हो जाएगा, फ्री है, ठीक है, सरकारी बाबू ऐप, और उसमें क्विजेस में जाओगे तो 50 इंग्लिश का 33 इंग्लिश का क्विजेस मिल जाएगा, आप यहां से कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में आपको यही करना है। उसके बाद ग्रामर का प्रैक्टिस कहां से कर सकते हो, ग्रामर का वही फिर से चैप्टर वाइज आपको सारे रूल्स को पढ़ लेने हैं और उन पे हर एक चैप्टर्स पे आपको क्वेश्चंस करते जाना है। फिर उसी तरह से अगर आपको लगे कि आपका इंग्लिश वीक है सेक्शन, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, फिर से वही सेक्शनल इंग्लिश का ले सकते हो, क्रेन पब्लिकेशन की जो ये है, और एक सेक्शन में 45-45 क्वेश्चंस होंगे, 30 प्रैक्टिस सेट है। अगर आप 30 प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे से कर लेते हो, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, रिवाइज करके कर लेते हो, तो इससे काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा और आपको काफ़ी इंग्लिश अच्छा हो जाए। एक चीज़ और है कि मेंस में ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और साथ में क्लोज टेस्ट और PQRS पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए प्रैक्टिस के लिए देखो बहुत सारे मैं बोलूँगा रिसोर्सेज तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो एक अच्छा है कि एक जगह पे सारा PQRS दिया हुआ है, एक जगह पे क्लोज टेस्ट दिया और एक जगह पैसेज दिया हुआ है, इसके लिए आप नियोन पब्लिकेशन का बुक आता है, पैसेज का अलग आएगा, PQRS का अलग आता है, क्लोज टेस्ट का अलग आता है, आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस यहाँ से कर लोगे काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई है जहाँ पे अच्छा खासा PQRS दिया हुआ है, अच्छा खासा पैसेजेस दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि हर दिन 3-4 पैसेजेस 3-4 क्लोज टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि मेंस के एग्जाम में 2 पैसेज आता है, 2 क्लोज टेस्ट आता है और 5-7 क्वेश्चन जो आते हैं PQRS के आते हैं, फॉर एग्जाम्पल के आते हैं, तो इनका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। याद रखना कि इन पे एक्यूरेसी आपको 100% रखना है। अब हम चलते हैं मैथ्स का हो गया, इंग्लिश का हो गया, अब हम चलते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग पे क्या करना है, रीजनिंग पे कुछ नहीं करना, जो ऑलरेडी आपने नोट्स कॉपी पढ़ लिया ना उसी को रिवाइज कर लो, और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है या फिर मॉक लगाते लगाते ही आपका रीजनिंग अच्छा हो जाएगा। एक आध चैप्टर्स नए हैं जो कि एनालिटिकल रीजनिंग है, उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, यूट्यूब से वीडियो देख लो, उन पे 50-60 क्वेश्चंस कर लो, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और एक आध जो चैप्टर जो आपको वीक लगते हैं जिनके क्वेश्चन छूट जाते हैं, जैसे कि नंबर सीरीज का हो गया, पजल्स के हो गए, कुछ और भी एक आध चैप्टर्स होंगे जिनको लगता होगा आपको कंफ्यूजिंग है, उन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बस इतना कर लोगे हो जाएगा। अब हम चलते हैं कि हाँ जीके कहाँ से करें, जीके का भी इंपॉर्टेंस है काफ़ी ज़्यादा, अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है। तो जीके के लिए आप क्या कर सकते हो कि आपने ऑलरेडी थ्योरी पढ़ लिया होगा, उन्हीं को बार बार रिवाइज करो, अब आपका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, MCQ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। तो जीके के लिए भी मैं बोलूँगा ना कि इसका जो सेक्शनल टेस्ट है इसमें जीके का क्वेश्चन दिया हुआ है 25 क्वेश्चन प्लस कंप्यूटर का भी 20 क्वेश्चन दिया हुआ है एक साथ में, ठीक है, इसमें भी 30 सेट है, तो आप यहां से जीके का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से, प्लस साथ में कंप्यूटर का भी क्वेश्चंस इसमें दिया हुआ, तो दोनों चीज़ का प्रैक्टिस आपका 30-35 सेट हो जाएगा, और प्रीवियस ईयर का भी दिया हुआ, तो आप यहां से कर लोगे तो काफ़ी आपका अच्छा हो जाएगा। प्लस साथ में ये जरूर बोलूंगा कि आप पहले ऑलरेडी जिस बुक से कर रहे थे उनको करते ही रहना, अपने नोट्स कॉपी को बार बार रिवाइज करते ही रहना, और करंट अफेयर्स के लिए मैं बोलूंगा कि स्पीडी का 2 साल का PDF ले लो, 2 साल का जो मैगजीन आता है करंट अफेयर्स का ईयरली वाइज,
आप वो ले लो और वहीं से पढ़ लो। अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं डे वाइज करता हूँ, मंथ वाइज करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। और क्वेश्चन कितने आते हैं, 4-5 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के। फंसेगा कि नहीं फंसेगा वो भी ठिकाना नहीं, तो उतना क्यों पढ़ना। दो बुक ले ली, पतले पतले बुक आएगी, उनको एक बार तेज़ी से 2-3 बार पढ़ लेना, बस रीडिंग डाल लेनी है चीज़ों को, ठीक है। स्पीडी पब्लिकेशन का बस इतना ही कर लेना। तो जीके में आपको इतना ही चीज़ें करनी है। प्लस एक और चीज़ आती है कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर कहाँ से करें, तो कंप्यूटर के लिए आप ना फ्री प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, राधिका मैडम का कंप्यूटर पढ़ाया हुआ है, या फिर और भी सर्च करोगे SSC CGL मेंस कंप्यूटर प्लेलिस्ट, तो आपको मिल जाएगा। वहाँ से सारे चैप्टर पढ़ लेने हैं और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। उसके लिए कंप्यूटर का जो मैंने अभी बताया कि जनरल अवेयरनेस के साथ कंप्यूटर का भी प्रैक्टिस सेट है इसमें, तो आप यहाँ से 35 सेट कर लोगे, इतना भी सफिशियंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इतना भी कम लग रहा है ना, तो आपको मिल जाएगा कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट के लिए, देखो 2300 क्वेश्चन का प्रैक्टिस है MCQ क्वेश्चन से इसमें, किरण पब्लिकेशन की बुक में। इसमें 131 सेट दिए हुए हैं आपका, 20-20 क्वेश्चन का 130 सेट दिए। अगर आपने इतना कर लिया तो फिर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप यहाँ से कर सकते हो। और कंप्यूटर को आपको इग्नोर नहीं करना है। 20 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको अगर अच्छे पोस्ट चाहिए जिनमें कि CPT रिक्वायर्ड है, जैसे ASO CSS, ASO MEA, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ये सब जो अच्छे अच्छे पोस्ट होते हैं उनमें आपको कंप्यूटर में कट ऑफ जाता है। जैसे लास्ट ईयर 27 कट ऑफ गया था जनरल के लिए, OBC EWS के लिए 24 और बाकी के लिए 21 गया था। तो अगर आप इससे कम लोगे तो आप छोटे मोटे पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे, अच्छे वाले पोस्ट के लिए नहीं होगे। तो आपको टारगेट लेकर चलना है कि हम कम से कम 60 में 35-40 मार्क्स ले आए कंप्यूटर में, ठीक है। तो आपको इस पर भी ध्यान देना होगा, इसने ये नहीं कि एकदम इग्नोर कर दिए। प्लस साथ में ये बोलूंगा कि कंप्यूटर टाइपिंग भी आपको करते जाना है, ठीक है। कंप्यूटर टाइपिंग भी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर टाइपिंग में भी अगर आपका एक्यूरेसी 95% से कम हुआ तो आप CPT वाले पोस्ट को नहीं ले पाओगे, ठीक है। आपका एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए, 30 का स्पीड होना चाहिए एक्यूरेसी। तो कंप्यूटर टाइपिंग पे भी आप ध्यान देते रहना। इसके लिए मैं बोलूँगा कि स्पीडो एक करके टाइपिंग आता है सॉफ्टवेयर, या फिर एक सोनी टाइपिंग करके आता है, एकदम इंटरफेस जो रहता है वो SSC वाला जो इंटरफेस होता है वही होता है। आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको स्पीड भी पता चलेगा, आपको एक्यूरेसी भी पता चलेगा। दोनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हो टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए, और अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। तो ये सब चीज़ें मैं बोलूँगा मेंस वाले के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस साथ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करना, प्लस साथ में मॉक टेस्ट लगाना। आपको कम से कम 50 मॉक टेस्ट लगा के जाने हैं एग्जाम से पहले। 50 मॉक टेस्ट कहाँ से लगा सकते हो, इसके लिए टेस्ट बुक प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट बुक हो गया, या फिर और भी अदर आते हैं, ओलिव बोर्ड वगैरह आते हैं, आप वहाँ से कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा कि टेस्ट बुक एक अच्छा, एनालिसिस वगैरह सब कुछ अच्छा होता है, तो वहाँ से कर सकते हो। और अगर आपने टेस्ट बुक पे परचेस नहीं किया है तो आप टॉपर कूपन कोड यूज करोगे तो कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और वहाँ से आप आराम से सारे पेपर्स को CGL मेंस के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो जो जो चीज़ें मैं बोला हूँ आपको, आपको वो फॉलो करनी है। अगर आप इतना करोगे तो आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा जाएगा। और याद रखना कि मेंस में जो आपका टारगेट होना चाहिए, 390 में 340 मार्क्स का टारगेट होना चाहिए, कि 340 मार्क्स लाना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि टारगेट काफ़ी हाई है। हाई नहीं है, इतने मार्क्स लोग लाते हैं। और जब तक आप अपना टारगेट हाई नहीं रखो तो कैसे, मान लो 340 रखोगे तभी तो 330 के आसपास, 320 के आसपास पहुंच पाओगे। अगर आप अपना टारगेट ही 320 रखोगे तो हमेशा मार्क्स उससे कम आता है, ठीक है। इसलिए टारगेट 340 प्लस जो भी रख सकते हो आप रखो, ठीक है, और उसको अचीव करने की आप कोशिश करो। तो ये था मेंस के लिए चीज़ें जो कि मैंने आपको बता दिया। आप यहाँ से करोगे तो काफ़ी आपको हेल्प होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।